रैंक लोगों की इंक्रीज हुई है बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था तो मेरा होगा कि नहीं ये मैं नाइटी जब पूरे यहाँ पे मिल रहा था इस स्कोर पे लेकिन अब मिलेगा कि नहीं बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत सारे स्टूडेंट मेरे प्रीवियस जो मैंने एनालाइज किया देखा तो उसमें फोर अप्रॉक्स फोर तक जनरल का ऑफ किया था आप समझ सकते हैं Hi, Hello everyone, welcome here. और फर्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फ़ॉर ऑल जिन्होंने gate exam को qualify किया है और जिन्होंने gate exam में बहुत अच्छे scores लाए हैं ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बार exam दिया है और इस वजह से क्या है कि जो एग्ज़ाम uh, जो score है वो तो ठीक है वो वैसे ही है लेकिन जो rank है वो काफ़ी increase हो गई है और लोगों की यहाँ पर टेंशन uh, ज़्यादा हो गई है कि इतनी ज़्यादा रैंक हो गई है और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो हमें एडमिशन मिले या नहीं मिलेगा क्या कट ऑफ होने वाला है जैसे कि अभी तक क्या होता था देखेंगे ऐसे रैंक गई है लेकिन इस बार फाइव स्कोर पर ऐसा हुआ है कि लोगों की छह पाँच पाँच छह छह हजार रैंक गई है एकदम डबल या फिर आप ये समझिए डेढ़ गुना तो इस तरीके से लोगों के मतलब स्टूडेंट्स के मन बहुत ज्यादा टेंशन है कि उनका क्या होगा एडमिशन मिलेगा या नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीजन जानना चाहिए कि रैंक आखिर इंक्रीज क्यों हुई है कि पहला दो रीजन है इसके रैंक बढ़ने के पहला रीजन ये कि जैसे कि पहले क्या था कि हम लोग फोर्थ ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होते थे वो एलिजिबल होते थे गेट एग्जाम देने के लिए लेकिन इस बार क्या है कि थर्ड ईयर जो बी टेक थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्जाम को दे सकते हैं और दूसरा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक डेट जो डेटा साइंसिस एग्जाम था उसको भी दिया और सी एस को भी दिया दो दो पेपर्स दिए मतलब एक स्टूडेंट ने दो दो पेपर दिए हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है और ये तो मेरा पहले रीज़न में इंक्लूडेड था रीज़न अब इसके बाद सेकेंड रीज़न जो मेन रीज़न ये हो सकता है कि बहुत अभी क्या है कि फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा रिसेशन uh, चल रहा है जॉब मिलने में लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो भी इस तरह की और कुछ ऐसा ही कुछ बड़े बड़े एन में और आई में ऐसा हो गया थोड़ा सा कंपनी का जो आने का फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गया है तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है तो शायद उन्होंने भी एनरोल किया था गेट एग्जाम में कि शायद उनका प्लेसमेंट में अगर ना हो तो गेट एग्जाम से ही हो जाए ठीक है एक साल और तैयारी कर ली गेट एग्जाम की तो ये दो तीन रीजन है जिनकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो गए हैं इसका कोई असर पड़ने वाला है काउंसलिंग में तो मैं बोलूंगी नहीं इसका कोई ऐसा नहीं पड़ने वाला है काउंसलिंग में क्योंकि मुझे पता है मुझे जहाँ तक लगता है कि जिसका प्लेसमेंट रिलेटेड इशू है जिन्होंने प्लेसमेंट को देख करके प्लेसमेंट के डर से उन्होंने गेट एग्जाम दिया है कि चलो फिलहाल साल गेट एग्जाम में ही कुछ हो जाए हम पी करने चले जाएँ या फिर कुछ हो जाए कुछ अच्छा मार्क्स आ जाए पी मिल जाए तो उनका जो उनका तो एम हो गया उनको तो एम में एडमिशन नहीं लेना हाँ ये हो सकता है कि वो पी के लिए आई जा सके या फिर पी में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हाई कट ऑफ जाए लेकिन यहाँ पे सीसीएमटी के केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो जैसा था वैसे ही मुझे लगता होगा बहुत ज्यादा डिफरेंस आया तो सिर्फ पचास इस स्कोर का आप फिल्म सब मान के चलिए कि पचास स्कोर का पचास स्कोर का भी नहीं बीस या तीस स्कोर का कुछ डिफरेंस आ सकता है ठीक है तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा होगा कि नहीं ये मैन आई टी जब पूरे यहाँ पे मिल रहा था इस स्कोर पे लेकिन अब मिलेगा कि नहीं बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत सारे एम टेक में एडमिशन लेंगे नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हलचल चल रही है कि, कि किसी को पी जाना है किसी को आई जाना है किसी को पी करना है और किसी को क्या करना है कि एम में एडमिशन लेना है लेकिन अलग ब्रांच में ब्रांच में लेनी है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर कर रही हैं तो अब ये बिल्कुल नहीं मान सकते तक आपको विजिट करना, जानना, सी, सी, जैसे शुरू होता है आपको लास्ट राउंड तक जाना है ये नहीं सोचना कि फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया it, आपको मिल गया अरे अच्छा कॉलेज लीजिए ना आप लास्ट राउंड तक जाइए और एक और चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं ये कि मैंने क्या किया कि अभी जब कट ऑफ लिस्ट में बना रही थी लिख रही थी आपको बताने के लिए तो मैंने देखा वहां पे कि जो एन एस आर राउंड जैसे कि पहले प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाए थे मैंने बोला था कि एन एस आर राउंड में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते नेशनल स्पॉट राउंड में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा कट ऑफ हाई होगा या फिर लो होगा किस बेस पे एडमिशन किस हाई या लो गेट स्कोर पे एडमिशन मिलेगा स्टूडेंट्स को ये हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते लेकिन मैंने एनालाइज किया है पिछले साल कि स्पेशल राउंड वन और स्पेशल राउंड टू से भी लेस कट ऑफ गया है एनएसआर राउंड में फॉर सी एस सी एग्जामिनेशन ठीक है सीएससी जो ब्रांच उसके लिए तो आप ये सोच सकते हो कि अगर सी एस सी क्योंकि जहां तक क्वेरी मेरे पास आती है वो सी एस सी स्टूडेंट की आती है और मैं खुद सी एस सी स्टूडेंट हूं तो इसलिए मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से एक, एक तरीके से समझ पा रही हूं दीदी तो सबसे ऐसा क्या होता है ना कि हर एन आई टी में आप देखोगे कि सी एस सी जो ब्रांच है वो कट ऑफ बहुत हाई होता है नाइन में तो यहाँ पे

सबसे पहला जो ब्रांच है वो मैं लूँगी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में दो ब्रांचेस हैं आप खुद जानते होंगे ठीक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी तो ये दो ब्रांचेस हैं तो आप मैं यहाँ पर बता सक बता देती हूँ कि सी के लिए जो मिनिमम ई कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो था फोर ठीक है 442 और मैक्सिमम जो कट ऑफ था वो 543 अब सी एस आई जो है उसके लिए मैं बता देती हूँ सी में जो मिनिमम कट ऑफ गया था ई कैटेगरी के, के लिए ठीक है ई आप जानते ही हो जनरल से कैटेगरी जनरल लेकिन ई तो आप 397 इसका मिनिमम गेट स्कोर था और मैक्सिमम था 532 अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि एन एस आर राउंड में एन एस आर राउंड में जो कट ऑफ था ईड्ल्यू एस का सी एस आई एस के लिए वो थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन था नॉर्मली क्या होता है ना कि एन एस आर राउंड में जो क्या होता है कि नेशनल स्पॉट राउंड है तो उसमें बिल्कुल भी हम प्रेडिक्ट नहीं करें देखो ये जो सीरियल वाइज राउंड होते हैं ना जैसे कि इस राउंड 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 तो इसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ओके यहां मैक्सिमम था एस आर वन राउंड वन में तो राउंड टू में कम होगा राउंड थ्री में और कम होगा एस आर वन में और कम होगा और एस आर टू में और भी ज्यादा कम होगा ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन हम एन एस आर राउंड में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जैसे ही वहां पे सीट

दूसरा नंबर पे जो है वो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इसमें चार तरीके के ब्रांचेस आते हैं जो पहली ब्रांच है वो है एम्बेडेड सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम में मिनिमम ईडब्ल्यू कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम गेट स्कोर गया था हंड्रेड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड या आपने एकदम सही सुना 322 हंड्रेड के ट्वेंटी के अभी की बात की जाए तो जैसे हो सकता है कि अभी जो पासिंग मार्क्स है उस बेस पे आप समझ सकते हो कि कितना आपका अगर आपके पासिंग मार्क्स भी है ना और आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको मिल सकता है ठीक है और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में जाना चाहते थे अब बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम गेट स्कोर की तो 451 तो मिनिमम था 322 और 451 मैक्सिमम दूसरा जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसमें 372 से लेकर के मैक्सिमम गेट स्कोर गया था 389 आप यहाँ पर समझ सकते हो कि बिल्कुल 400 से लो पे है सारी चीज़ें है ना अब इसके बाद वील के लिए बात करें वी डिजाइन तो उसके लिए थ्री मिनिमम गेट स्कोर था और पाँच जो था वो मैक्सिमम गेट स्कोर था ये बात थी दो डिपार्टमेंट्स की अब इसके बाद थर्ड डिपार्टमेंट की बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था मैक्सिम थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री मतलब थ्री 33, हंड थर्टी थ्री ट्रिपल थ्री इस तरीके का जो गेट स्कोर था बाकी पावर सिस्टम मैनेजमेंट और पावर सिस्टम इन दोनों के लिए कोई भी EWS, आ, candidate, candidate, आ, प्रीफर नहीं किया गया था क्योंकि उनको चाहिए नहीं होगा जो भी बात रही हो लेकिन हाँ पावर सिस्टम के लिए जो था मिनिमम गेट स्कोर मैक्सिमम जो था वो थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवन मतलब जिनका भी थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवन आया वो उसमें पावर सिस्टम में गए थे अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसमें चार तरीके के आपकी ब्रांचेस आती हैं और वो है डिजाइन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड थर्मल इंजीनियरिंग सो so, डिजाइन इंजीनियरिंग ईडब्ल्यू एस के लिए 353 मिनिमम गेट स्कोर था और 383 मैक्सिमम और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 330 मिनिमम गेट स्कोर और 461 मैक्सिमम गेट स्कोर और थर्ड जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए 326 से लेकर 330 आप समझ सकते हो कितना कम समझ सकते हैं आप, जिन्होंने से दिया हो, हो, उनका भी भी निकला हो, तो वो ठीक well है? बिल्कुल भी निराश नहीं होना कि हमें कुछ नहीं होगा ये नहीं होगा वो नहीं हो सब होगा इसके बाद फोर्थ नंबर पर थर्माइन इंजीनियरिंग बात करते हैं तो उसमें थ्री हंड्रेड एट्टी सिक्स मिनिमम गेट स्कोर था और मैक्सिमम भी इतनी था अब आप ये बात हो गई अब इसके बाद हम फिफ्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में पांच तरीके के ब्रांचेस थे पहला सिविल इंजीनियरिंग और इसका मिनिमम कट ऑफ मैं नहीं बता सकती क्योंकि ईडब्लू उस टाइम का कट ऑफ मुझे नहीं मिला अब सेकेंड जो है एनवायरमेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इसमें 375 मिनिमम गेट स्कोर था मैक्सिमम भी इतना ही था अब इसके बाद थर्ड जो बात करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की और इसमें 345 से लेके 460 गेट स्कोर तक के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे थे भाग लिए ठीक है उनको मिला था सीटे. जो इस कट ऑफ बता रही हूँ इस सीटें मिली थी लोगों को ऐसा नहीं कि उन्होंने अपीयर किया था मिली थी ठीक है और ये मैं ईडब्ल्यू के लिए बता रही हूँ और फिर फोर्थ नंबर पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 339 मिनिमम गेट स्कोर था और 432 फिफ्थ है वाटर रिसोर्स इसमें 326 ंड्रेड ट्वेंटी था अब बात करते हैं सिक्स नंबर के डिपार्टमेंट्स की वो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में एक ही ब्रांच है और ईडब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए इसमें कोई कट ऑफ नहीं था तो मैंने नहीं लिखा अब इसके बाद सेवें चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इसमें अर्बन प्लानिंग आता है तो उसमें भी ई के लिए कोई सीट नहीं थी या फिर फिल uh, हो चुकी हो पहले ही जनरल के लिए अब इसके बाद एट नंबर पे सेंटर ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इसमें रिनूवल एक एनर्जी ब्रांच है उसमें 326 मिनिमम और मैक्सिमम था ई के लिए नाइन्थ नंबर पे है जो लास्ट है वो है नेशनल सेंटर ऑफ डिज़ास्टर मिटिगेशन और मैनेज uh, सो so, इसमें है अर्थक्वेक एनर्जी का ब्रांच और इसमें 323 हंड्रेड के लिए कट ऑफ था स्कोर ठीक है तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से कितने कम स्कोर पे वो भी ई डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस के जो कैंडिडेट्स है वो एक तरीके से जनरली हैं लेकिन वो ई डब्ल्यू एस में आते हैं अगर जिनके पास भी ई डब्ल्यू एस के सर्टिफिकेट उनको कितना बेनिफिट मिल सकता है ठीक है इसका टेंशन मत कीजिए होगा ऐसा नहीं होगा हो वैसा नहीं होगा बिल्कुल होगा और लास्ट तक आप अपने आप को एनरोल कीजिएगा कॉलेज मिल जाता है तो नहीं मिलता है तो इनके चाहिए, चाहिए, तो भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि एनएसआर में भी लो कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर तो चलिए यहाँ तक आ, हमने देखा अब लिए ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक नहीं चलते हम बाय